हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सीटेट पेपर टू की तैयारी कर रहे हैं ईवीएस। इसमें आज हम क्लास 7 का चैप्टर 3 देखेंगे, फाइबर टू फैब्रिक। फर्स्ट पॉइंट है, याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। हमें याक का जो वूल होता है वो तिब्बत और लद्दाख में मेनली मिलता है। मोहेयर इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम अंगोरा गोट्स फाउंड इन हिली रीजन सच एस जम्मू एंड कश्मीर। मोहेयर जो होता है वो अंगोरा गोट्स से मिलता है जो कि जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। लियामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल। लियामा और अल्पाका जो है वो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, और ये भी ये जानवर है, ये क्या इनसे वूल प्राप्त होता है हमें। नेक्स्ट है, प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। आखिर क्या प्रोसेस है जिससे फाइबर जो है वो वूल में हमें मिलेगा, कैसे हमें फाइबर से वूल मिलेगा, वो पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। स्टेप वन है शेयरिंग। द फ्लीस ऑफ द शिप अलॉन्ग विथ ए थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इज बॉडी। दिस प्रोसेस कॉल्ड शेयरिंग। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड। भेड़ का शिप का जो ऊपर का लेयर होता है अपर मोस्ट लेयर, वो ऑलमोस्ट स्किन जो होता है वो डेड होता है। उसका जो हेयर रहता है अलॉन्ग विथ अ थिन स्किन लेयर ऑफ स्किन, उसका हेयर एक पतला सा स्किन का परत के साथ हटाया जाता है, और इस प्रोसेस को शेयरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इज स्कोरिंग। शेयर्ड स्किन विथ हेयर इज थ्रोली वाश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डर्ट। दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग। स्कोरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो स्किन रिमूव कर लिया गया उसको अच्छी तरह से वॉश किया जाता है टैंक्स वगैरह में, ताकि उसमें जो भी ग्रीस डस्ट हो ग्रीस हो वो सब हट जाए। नेक्स्ट प्रोसेस है सॉर्टिंग। स्टेप 3, द हेयरी स्किन इज सेंट टू ए फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड। जो स्किन होता है हेयरी स्किन, उसको फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, और वहाँ पे अलग अलग टेक्सचर का जो होता है हेयर उसको अलग किया जाता है। स्टेप 4 है क्लीनिंग ऑफ बोर्स। द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बोर्स आर पिक्ड अप फ्रॉम द हेयर। उनका जो हेयर रहता है उसमें कुछ गोवा जैसा होता है जिसको बोर कहते हैं। जैसे हम लोग का जो स्वेटर होता है उसमें जब स्वेटर पुराना होने लगता है उसमें डॉट डॉट पड़ने लगता है गोवा जैसा, जिसको फिर हम हाथ से हटाते हैं, उसी टाइप का बोर्स होता है जो कि भेड़ के बाल में भी होता है, उसको हटा लिया जाता है इसी स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे, स्टेप 5, डाइंग। डाइंग आप लोग जान ही गए, कलर करना। द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स। जो फाइबर होता है हमें मिलता है उसको हम लोग किसी भी कलर में डाई कर सकते हैं। स्टेप 6 है रोलिंग। द फाइबर्स आर स्ट्रेथेंड कॉम्ड एंड रोल्ड इन टू यार्न। जो फाइबर हमें मिलता है उसको स्ट्रेट सीधा कर लिया जाता है, कॉम्ड अच्छे तरह से उसको झाग लिया जाता है, और इसके बाद रोल करके यार्न धागा ऊन मिल जाता है हमें। इसका प्रोसेस को दिखाया गया है एरो से। द प्रोसेस ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एट फॉलोअर्स। सबसे पहले शेयरिंग होता है जिसमें कि बालों की कटाई होती है, स्कोरिंग होता है उसके बाद, फिर नेक्स्ट है सॉर्टिंग, अलग उसके बाद क्लीनिंग ऑफ बोर्स, डाइंग, फिर नेक्स्ट है रोलिंग। ये जो भेड़ के बालों से वूल बनाने का प्रोसेस है ये टोटल 6 प्रोसेस में जाके कंप्लीट होता है, 6 स्टेप्स में। उसके बाद है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। शॉर्टेस्ट जॉब इज रिस्की एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय अ बैक्टीरियम एंथ्रैक्स विच काउजेज ए फैटल ब्लड डिजीज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिजीज। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड मतलब अगर हम कहीं पे कोई पेशा कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हमें क्या नुकसान है या फिर क्या हमें खतरा है। तो जो मतलब इस तरह से फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं जो वर्कर्स लोग, जो कि इस तरह से बाल वगैरह की सफाई करते हैं, भेड़ के जो बाल होते हैं उनकी सफाई वगैरह जो करते हैं केमिकल्स से, तो उनमें एक तरह का बैक्टीरिया होता है जिससे एंथ्रैक्स हो जाता है, जिससे शॉर्टस डिजीज़ होता है। एक ये बहुत ही ख़राब बीमारी होती है, रिस्की डिजीज़ है। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। वैसा हैजार्ड जो कि किसी भी इंडस्ट्री में एक वर्कर के द्वारा फेस किया जाता है उसको ऑक्यूपेशनल हैजार्ड कहते हैं।
नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक हमारा सिल्क। सिल्क आर कैटरपिलर्स ऑफ सिल्क मोथ। सिल्क जो है वो सिल्क मोथ का हमें किससे मिलता है, सिल्क मोथ के कैटरपिलर से। ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल द वॉर्म स्पिन कोकून्स ऑफ सिल्क फाइबर्स। वो अपने पूरे जीवन काल में वो क्या करते हैं, वो अपने जीवन पूरे जीवन काल में वो कोकून्स से सिल्क फाइबर बनता है। सिल्क फाइबर्स आर मेड ऑफ ए प्रोटीन। सिल्क फाइबर जो होता है वो एक प्रोटीन से बनता है। सिल्क फाइबर क्या है, मेनली वो एक प्रोटीन है। एग्जांपल है तसार सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क, मलबेरी सिल्क एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट पॉइंट, चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन। अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि सिल्क प्रोडक्शन में नंबर वन पोजीशन में है, तो वो है चाइना। यहीं से सिल्क का शुरुआत भी हुआ था और ये जो लीड करता है सिल्क प्रोडक्शन को चाइना करता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें जो सीटेट या फिर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके नोट्स कंप्लीट करने में, चैप्टर कंप्लीट करने में। थैंक यू।